જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હું છું આપની ચૈતી એન્કર પાયલ બામણિયા. સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ માં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચારમાં. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 ડિજિટલ લાઈવ. હરમેશ સત્યની સાથે. મધ્ય પ્રદેશ કોંગ્રેસ કે કાર્યકારી અધ્યક્ષ એવં મીડિયા વિભાગ કે પ્રમુખ જીતુ પટવારી જી કા વક્તવ્ય. शर्मा की बात है कि प्रदेश को 17 साल में 2.80 लाख करोड़ से अधिक कर्ज में डुबाने वाले शिवराज सिंह अब और अधिक कर्ज लेने की अनुमति को अपनी शान बता रहे. स्पीड न्यूज 17 डिजिटल लाइव. दलन की खासकर इस साल जब आप पीछे के रास्ते से मुख्यमंत्री बने तो दलन जितनी भी कोई एक भी दलन समर्थन मूल्य में नहीं बिकी शिवराज सिंह जी. ये भी दोष आप ही का है. आपने ये अनुमति पहले मांगनी थी, लेट मांगी, इसके लिए दोषी कौन है. तीसरा, आपने जो महत्वपूर्ण बात इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखी, आपने कहा कि मैंने जीडीपी का 5.5% कर्ज लेने की अनुमति मांगी. आपने 2,80,000 करोड़ रुपए के कर्ज के हिस्सेदार मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को 17 साल के आपके मुख्यमंत्री काल में बनाया. आपको और कर्जदार मध्य प्रदेश को बनाना है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से आप अनुमति लेने गए थे. मुख्यमंत्री जी, आपने तो कहा था मैं समृद्ध मध्य प्रदेश बनाऊंगा. आपने तो कहा था मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा. आपने तो कहा था मैं किसानों की आय दुगनी करने वाला मध्य प्रदेश बनाऊंगा. ये क्या कर रहे हो आप, किस गर्त में ले जा रहे हो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को. मुख्यमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री से इतने डरते क्यों है. आप प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें मिला के बात क्यों नहीं करते. आप ये हिसाब क्यों नहीं मांगते उनसे कि मेरे मध्य प्रदेश के जीएसटी का पैसा आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं. आप मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों का पैसा केंद्र सरकार हमें क्यों नहीं दे रही है, इसका हिस्सा क्यों नहीं मांग रहे हो. आप मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हो. आप मध्य प्रदेश की पूरी ताकत हो. मुख्यमंत्री जी, आप डरते हुए क्यों दिखते हो, लड़ते हुए क्यों नहीं दिखते. मेरे आपत्ति है मध्य प्रदेश की एक एक आदमी की, एक एक इंसान की, एक एक जीव की, एक एक नागरिक की आपत्ति है कि हमें लड़ता हुआ मुख्यमंत्री चाहिए, हमें डरता हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए. शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों के लिए लड़ो, डरो मत. मध्य प्रदेश को कर्जदार नहीं समृद्ध बनाओ, इसके लिए आप पीछे के रास्ते से बैठे थे. विचार करो, मध्य प्रदेश की जनता भी समझे. जागे जनता जनार्दन जागे.